Welcome to our YouTube channel once again, and we are just going to launch the classes for 12th class. We have already discussed one of the poems, The Seven Ages of Man, composed by William Shakespeare. Today we would just have a topic of compositions. Let's have it. एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, सीधी सी भाषा में बात करें तो विज्ञापन, समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में या अन्य किसी प्रकार की मैगजीन और जर्नल्स में हमने अनेकों अनेक विज्ञापन देखे हैं। इन विज्ञापनों के लिए एक लैंग्वेज प्रॉपर का यूज किया जाता है। वह लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज से थोड़ा डिफर होती है। ये यू कहिए कि वी जस्ट यूज टेलीग्राफिक लैंग्वेज वाइल कंपोजिंग एन एडवर्टीजमेंट। जब भी हम लोग एक एडवर्टीजमेंट को यहाँ कंपोज कर रहे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 12th क्लास में 4 नंबर का ये टॉपिक आता है, यूनिट 2 के अंदर। तो जब भी हम लोग इस प्रकार की यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट यू वुड जस्ट पे ऑल योर अटेंशन एट द टॉपिक। हम कोशिश करते हैं कि हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, उसी सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ आपका भी सर्वश्रेष्ठ प्रयास हो, ऐसी अपेक्षा हम लोग सदैव करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कस किए जाने के लिए, वो है एडवर्टीजमेंट, ए कॉमन डिटेल गिवन बाय सम इंस्टीट्यूशन टू सेल समथिंग, टू लेट द हाउस ऑन रेंट, और जस्ट फाइंडिंग ए ब्राइड और ए ब्राइड ग्रूम। जब भी हम लोग देखें कि हमारे पास कोई मकान है एंड वी वॉन्ट टू लेट इट ऑन रेंट, हम इसको रेंट भी देना चाहते हैं, देन वी जस्ट कंपोज एन एडवर्टीजमेंट इन आवर लैंग्वेज टू बी पब्लिश्ड सम लोकल न्यूज़पेपर्स और सम अदर न्यूज़पेपर्स। जब भी हम लोग ये टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक हेडिंग का चयन करना पड़ेगा। एक हेडिंग लिखी जाएगी, हेडिंग क्या होगी, मैं यहां दोनों लैंग्वेजेस में आपके सामने दे रहा हूं, यदि हम किसी चीज का पहचान कर रहे हैं, इफ वी आर गोइंग टू सेल आउट समथिंग, then our title will be shell, spelling देखिए S-A-L-E, ये noun है, ये verb नहीं है, S-E-L-L verb नहीं है, बेचना नहीं है, it's a shell, S-A-L-E noun case में। purchase, खरीद, यदि सपोज वी आर गोइंग टू बाय समथिंग, हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, देन आवर टाइटल वुड बी मेंशन्ड इज परचेज, तब हमारा टाइटल मेंशन होगा परचेज। यदि हम लोग कोई वस्तु किराए पर ला रहे हैं या दे रहे हैं, तो ऑन रेंट टॉपिक हम लोगों को करना पड़ेगा, या टू लेट चाहिए। सपोज जस्ट वी हैव ए पोर्शन ऑफ ए हाउस, यदि हमारे पास कोई मकान का हिस्सा है, और इट मे बी सम शॉप या कोई दुकान हो सकती है, इट मे बी सम अदर थिंग, एंड वी आर जस्ट वांट या वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट समथिंग, हमारा टाइटल होगा टू लेट। यदि किसी जगह कोई रिक्त स्थान है, किसी पद को मेंशन करना है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अपॉइंट समबडी, हम किसी को अपॉइंट करने जा रहे हैं, देन वी मस्ट मेंशन सिचुएशन वैकेंट, रिक्त पद है तो
पद है तो तब हम लोग मेंशन करेंगे सिचुएशन वैकेंट। इसी को हम लोग अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं, नियुक्ति। यहीं पर हमारे पास आ सकता है अपॉइंटमेंट। फिर भी हम लोगों के पास क्लियरली कुछ नहीं आ रहा है तो हम सिंपली वांटेड करते हुए या फिर रिक्वायरमेंट के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं। सपोज जस्ट वी आर गोइंग टू अपॉइंट समवन एंड वी रिक्वायर समबडी एज ए मैकेनिकल, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर और सम टीचर्स, देन आवर टाइटल मस्ट बी मेंशन्ड सो क्लियरली एट द अबव ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज सिचुएशन वैकेंट, अपॉइंटमेंट वांटेड और इट मे बी मेंशन्ड एज रिक्वायरमेंट। यहाँ पर ए यू सी टी आई ओ एन ऑप्शन, हम लोग कोई नीलामी करने जा रहे हैं तो नीलामी के लिए ऊपर से हम लोग या तो नीलामी लिखें या फिर हम उसको मेंशन करेंगे ऑप्शन। यहां पर हम लोगों के पास आधे से अधिक जो सूचना है केवल और केवल हेडिंग मेंशन करने से हो जाती है। और यदि हम लोग किसी को मैट्रिमोनियल कॉलम लिखे विवाही की, विवाह से संबंधित, तो अब हमारे पास मैट्रिमोनियल कॉलम होगा। इस मैट्रिमोनियल कॉलम में दो शब्द हमें और सीखने होंगे, दोनों शब्द हैं हमारे पास में ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। दुल्हन और दूल्हा, इन स्थितियों को हम चेक करेंगे यहां पर कि क्या हमारे पास कोई सूटेबल टाइटल मिल रहा है। द हाफ ऑफ द वर्क वुड बी डन ओनली ऑन सेलेक्टिंग एन एप्रोप्राइट टाइटल। क्या टाइटल होगा वो हम लोग अपने सर्कमस्टेंसेस और परिस्थितियों के अनुसार मेंशन करेंगे। अब हमारे पास बातचीत आती है कि इससे आगे क्या, इस टाइटल से आगे हम लोग कहां तक बढ़ पाए। जब भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। वी वुड हैव टू रीड अवर क्वेश्चन आफ्टर ऑल व्हाट द एग्जामिनर जस्ट वांट टू हैव, कि एग्जामिनर क्या चाहता है। वंस वी गेट ऑल सेटिस्फाइड अबाउट अवर रीडिंग देन वी मस्ट थिंक ऑफ चूजिंग वन आउट ऑफ ऑल दीज हेडिंग्स। हम इन्हीं हेडिंग में से किसी एक को चयन करेंगे, यहाँ पर चुनेंगे, और जब हमारा एक बार चुना हो जाए देन वी मस्ट ट्राई टू कलेक्ट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, तब हम लोगों को अन्य इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए। क्या अन्य क्या होगी हम लोग और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक नजर यहाँ पर आप डालिए, फिर से एक बार चर्चा हो जाए। शेल परचेज ऑन रेंट टू लेट सिचुएशन वैकेंट अपॉइंटमेंट वांटेड रिक्वायरमेंट ऑक्शन मैट्रिमोनियल और सपोज वी आर गोइंग टू लॉन्च न्यू बैचेस इन अवर कोचिंग सेंटर्स इन अवर कंप्यूटर सेंटर्स और इट मे बी सम इनॉग्रेशन। So such of the heading must be mentioned, launch, yeah, launching or inaugural ceremony, just like we have some other titles. अभी हमारे पास दूसरा मैटर यहां से हम लोग शिफ्ट करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। यदि हमें एक वाहन को बेचना है या खरीदना है, इन द केस ऑफ सेलिंग
or purchasing some vehicle, then we must try to add the following informations in our advertisement. Object, color, mileage, condition, expected rate, other information, जब भी हम लोग एक ऐसा विज्ञापन लिखने जाएं जिसमें हम किसी व्हीकल को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारे पास मैटर है वो ये है कि हमारे टाइटल, तो इनमें से हम लोग किसी को लिख सकते हैं। यदि यही व्हीकल हम लोगों को रेंट पे लेना है या रेंट पे देना है, तब हम लोग इसको ऑन रेंट या फॉर रेंट भी कर सकते हैं, किराए के लिए फॉर रेंट भी यहाँ टाइटल हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें निम्नलिखित सूचनाएं उस संबंधित एडवर्टाइजमेंट में देना चाहिए। कैसे, थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। यहाँ एक नजर फिर से डालते हैं। ऑब्जेक्ट मींस हम क्या बेचने जा रहे हैं या फिर क्या खरीदने जा रहे हैं या क्या हमारे पास किराए पे देने या लेने के लिए है। Whenever just we are going to some vehicle or we are planning to buy something or some vehicle, then first of all we will mention it clearly in the very first line, that would be our objective case. It is the preference of some selective persons, they just give preference to the color. So we must clearly mention the color of the object. हमारे पास जो कलर है उस कलर को बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना होगा कि हमारे पास व्हीकल जो है वो किस रंग का है। कंडीशन, गाड़ी किस कंडीशन में वो मेंशन करना होगा। एक्सपेक्टेड रेंट, रेट या रेंट हो सकता है, यदि हम लोग किराए के लिए कर रहे हैं तो रेंट भी कर सकते हैं। इट्स एन आइडिया, नेगोशिएशन इज ऑन प्रोसेस, बातचीत प्रक्रिया में रहती है, बट वी मस्ट ट्राई टू मेंशन एज फार एज वी कंसर्न द रेट, और आई मस्ट से द एक्सपेक्टेड रेट। अदर इंफॉर्मेशन, इट माइट बी रिलेटेड टू इंश्योरेंस और डॉक्यूमेंट्स और समथिंग एल्स। कॉन्टेक्ट नेम, सो दैट अदर में कॉन्टेक्ट और वी में कॉन्टेक्ट, ताकि दूसरा हमसे कॉन्टेक्ट कर पाए या हम उससे कॉन्टेक्ट कर पाए। सो एट द बॉटम एंड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के बिल्कुल नीचे, इट मस्ट बी क्लियरली मेंशन द कॉन्टेक्ट नेम एंड नंबर ऑफ द ऑनर और द विलिंग पर्सन। मैं यहाँ इसको रहने देता हूँ, उनको उड़ाते हैं। एक कॉमन सा प्रश्न हमारे पास ले लेते हैं हम लोग यहां पर।
सिंपली जस्ट फॉर 4 मार्क्स वी आर गिवन सच ऑफ द क्वेश्चंस। 4 नंबर के लिए हमें इस प्रकार का एक प्रश्न दिया जाता है, और जब हमने इस प्रश्न को देखा तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इमेजिन दैट यू आर अरुण शर्मा, इसका अर्थ ये कि आप अरुण शर्मा हैं, वांट टू बाई ए बाइक, और आपको एक बाइक खरीदना है, मीन्स यू आर विलिंग टू बाई ए बाइक, आप एक बाइक खरीदने जा रहे हैं, राइट एन एडवर्टीजमेंट 418 कॉलम परचेज, खरीदना है तो परचेज, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि परचेज हेडिंग का यूज कीजिए। यहाँ हमारे पास जो परचेज हेडिंग का कॉलम फिक्स कर दिया, जस्ट वी हैव नो अदर ऑप्शंस टू बी यूज्ड हियर, यहाँ दूसरे ऑप्शन यूज किए जाने के लिए हमारे पास में नहीं होगा। जब भी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे एडवर्टीजमेंट, एक बार एडवर्टीजमेंट मेंशन हो गया तो सेकंड लाइन में हमें मेंशन करना है हमारे टाइटल को। आप एक बाइक खरीदने जा रहे हैं और बाइक होता है व्हीकल, अब हमारे पास स्थिति आ जाती है कि हम एक एक करते हुए इन 7-8 जो कॉलम्स हमारे पास संभावित है उनका यूज करें टेलीग्राफिक लैंग्वेज में। किसी प्रकार की कोई ग्रामर नहीं है, किसी प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करने, वी आर टू डिलीवर कॉमन इंफॉर्मेशन इन टेलीग्राफिक लैंग्वेज। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट एक बाइक, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक मैनर्स में हो कि अल्टीमेटली व्हाट टाइप ऑफ बाइक वी वांट टू बाइट, किस टाइप की बाइक हम खरीदना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बाइक का नाम जो आप लोगों की इच्छा है वो नाम यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ए हीरो होंडा, सीडी डिलक्स, ए बाइक हमने क्लियरली हमारी प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर दी है। इट मे बी रॉयल एनफील्ड 350, ये अलग अलग हो सकती है, डेजर्ट एवेंजर और एनीथिंग दैट यू जस्ट नो मच मोर देन मी, और भी और कुछ हो सकता है जो आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन यहाँ हमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली व्हाट्स अवर ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ हम कॉमा देते हुए आगे बढ़ेंगे। कलर, इसका कलर क्या, कोई 2-4 कलर हम लोगों को जो जानकारी में है जो हम लोग खरीदना चाहते हैं। इट माइट बी योर प्रेफरेंस ऑन डार्क रेड कलर, इट माइट बी ब्लैक, इट माइट बी पर्पल, एनीथिंग दैट यू जस्ट वांट टू बाय मस्ट बी मेंशन्ड क्लियरली। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पर्पल, हमें पर्पल रंग की बाइक चाहिए, ये हमारा पॉइंट हो गया। माइलेज means what is the average of the bike, yeah what must be the average of the bike, गाड़ी का average क्या होना चाहिए, 1 किलोमीटर में एक bike कितना चले, that is called mileage, in a 1 liter after how far we can just take a bike is called mileage of the bike or the vehicle। तो हमारा तीसरा जो point आता है वो हो जाता है यहाँ पर mileage का, हम यहाँ पर mention कर दें या यहाँ पर note लिख दें purple color नंबर तीसरे पे आ जाए माइलेज 40 किलोमीटर पर लीटर, बस हो गया। और यदि यहां पर लिखे पर लीटर माइलेज और अधिक क्लियर हो जाएगा, जितना ज्यादा स्पेस कवर करेगा उतना ही चार्ज समाचार पत्र हमारे लिए करेगा, तो वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस द स्पेस व्हाइल राइटिंग एन एडवर्टीजमेंट। कंडीशन, हम किस टाइप की कंडीशन चाहते हैं वो क्लियरली हम लोग मेंशन करेंगे। एक साधारण सा टॉपिक हम लोग कर सकते हैं, वेल कंडीशन, अच्छी स्थिति में, वुड बी लाइक टू टेक ए कंडम और रिकेटी व्हीकल, खटारा बस लेने की कौन अपेक्षा करेगा, तो वेल कंडीशन अच्छी स्थिति में हो, ये हमारे पास टॉपिक क्लियर हो जाता है।
और कोई इन्फॉर्मेशन? ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर? ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर? सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो? कोई भी इंश्योरेंस का पेपर बाकी नहीं हो? इंश्योरेंस कंप्लीट हो? कोई भी इंस्टॉलमेंट किस्त जो है वो पेंडिंग नहीं हो? तो एवरीथिंग मस्ट बी ऑल क्लियर, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर, क्लियर हो? एक्सपेक्टेड रेंट, we are just willing to pay 25,000 rupees for it. यहां हमारे पास एक और आ जाता है कॉलम, मॉडल कौन सा? इट्स द डिमांड ऑफ सेकेंड हैंड और सेकेंड हैंड व्हीकल, सो वी मस्ट क्लियरली मेंशन द मॉडल ऑफ अवर व्हीकल। हम लोग क्लियरली यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारे पास किस टाइप का मॉडल हो। तो हम यहां लिख देते हैं मॉडल 2015 का हो, और 2015 जिसका माइलेज 40 किलोमीटर हो, आप पे करने जा रहे हैं 25,000 रुपीस, और वो भी हीरो होंडा सिटी डिलक्स पर्पल कलर के लिए। ये हमारे पास मॉडल क्लियर हो जाता है। अब हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन का कोई मैटर नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें मेंशन करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट नेम एंड नंबर। यहां हम मेंशन करते हैं कॉन्टेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट, कृपया कॉन्टेक्ट कीजिए। आप क्वेश्चन पढ़े, आप अरुण शर्मा है, ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है अरुण शर्मा। ऐसी स्थिति में जबकि हमारे पास लिखा हुआ है प्लीज कॉन्टेक्ट अरुण शर्मा, डीड बना और उसके कॉन्टेक्ट नंबर भी हम लोग यहां पर दे दें। इट्स एन इमेजिनरी नंबर, सो डोंट ट्राई टू डायल द सेम नंबर, इन नंबरों पे डायल मत कीजिएगा। जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमें इसको चारों ओर से बाउंड्री देते हुए कंप्लीट सेंस में यहाँ पर खत्म करना होगा। ये आ जाती है हमारे पास में एडवर्टाइजमेंट, जिसके लिए हम लोग परचेज कॉलम में लिखा। थोड़ा सा यहाँ हम लोग चेंज करें, सपोज कीजिए कि यदि यही एडवर्टाइजमेंट हमारे पास में हमें सेल करना हो, हमारे खुद के पास ही बाइक पड़ी है 2015 की, अच्छी स्थिति में, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, हम लोग 25,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? बहुत सिंपली इस परचेज की जगह हम सेल लिख देंगे, हमारा टाइटल चेंज कर देंगे। अभी हमारे पास में यू वॉन्ट टू सेल, बाइक की जगह हम लोग यहां सेल कर दें। इमेजिन दैट यू आर अरुण शर्मा एंड वॉन्ट टू सेल ए बाइक, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट इन कॉलम सेल, तो यहां कॉलम भी चेंज हो जाएगा। जब कॉलम चेंज हुआ तो आप ही कॉलम चेंज कर दीजिए। ये बाकी इंफॉर्मेशन वॉकी हुई कैसे, एक नजर डालते हैं। आप एक हीरो होंडा सिटी डिलक्स को सेल करना चाहते हैं, वह पर्पल कलर की है, 40 किलोमीटर प्रति लीटर आपका माइलेज दे रही है, वो अच्छी स्थिति में है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हैं, और आप उसकी एक्सपेक्ट रेट कर रहे हैं 25,000 रुपीस। मॉडल है 2015 का और आप हैं अरुण शर्मा डीडोना के, जिनके नंबर ये हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन वाकई हुई, आप नजर डालिए
और इसको लेके थोड़ी देर में हम लोग इसके आगे का एक टॉपिक और करते हैं, देखिएगा। यहां से एक टर्न लेते हैं हम लोग, यही गाड़ी इसी प्रकार का व्हीकल आप बेचने या खरीदने जा रहे हो, तो हमें यहां कुछ इंफॉर्मेशन को देनी है। लेकिन इसके अलावा यदि हम लोग अपॉइंटमेंट कॉलम करें, किसी को अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो वहां कॉमन इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। नेम ऑफ पोस्ट, पद का नाम क्या हो, विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ पोस्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अपॉइंटमेंट और एडवर्टीजमेंट अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फिटनेस, हेल्थ, डिटेल्स ऑन रिक्वायरमेंट, यदि आवश्यक हो तो हमें फिटनेस और हेल्थ डिटेल्स को भी मेंशन करना चाहिए। सैलरी, अल्टीमेटली पेमेंट क्या होगा, या हम अपॉइंट करने जा रहे थे व्हाट वी आर गोइंग टू पे, हम कितना भुगतान करने जा रहे हैं। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, इन शॉर्ट, शॉर्ट में हम लोग दूसरे कोई कंडीशन या टर्म्स है हमारे, नियम सेवा शर्तें हैं, वो भी हमें मेंशन कर देना चाहिए। इंटरव्यू टाइम, और नंबर लास्ट में कॉन्टैक्ट नेम एंड नंबर, कॉमन सी डिटेल जो हम लोगों को एक अपॉइंटमेंट, जो कि एक एडवर्टीजमेंट जो किसी अपॉइंटमेंट के लिए कर रहे हैं, सिचुएशन वैकेंट के लिए कर रहे हैं या रिक्वायरमेंट हो हमारी, तो ये कॉमन इंफॉर्मेशन हम वहाँ पर देंगे। कैसे लिखें इनको, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट यहाँ एक बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। Imagine that you are the director of Didwan. You want to अपॉइंट, आप नियुक्त करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू अपॉइंट ए लेक्चरर इन हिंदी, राइट एन
हेड डिस्टरबेंस फॉर हिट इन कॉलम अपॉइंटमेंट। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? आप डायरेक्टर हैं, स्कूल का नाम दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ लेक्चरर हिंदी को आप अपॉइंट करना है। इसका अर्थ ये हुआ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्कूल का नाम ही मेंशन कर दें, नंबर सेकंड लाइन में हम लोगों के पास में एडवर्टीजमेंट आ जाए और लास्ट में नंबर थर्ड लाइन में हम लोग अपना अपॉइंटमेंट कॉलम लिखेंगे। जब ये तीन इंफॉर्मेशन तीन अलग अलग लाइनों में हमने दे दी, तब हम लोग यहाँ कवर करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट नंबर, एंड देन वी वुड हैव द कंप्लीट सेंस ऑफ अवर एडवर्टीजमेंट अपॉइंटमेंट। क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द नेम ऑफ पोस्ट, वहां क्लियरली लिखा हुआ है ए लेक्चरर इन मैथ्स, मिस्टेक हिंदी, लेक्चरर इन हिंदी, हमारे पास ये हो गया। निश्चित तौर से जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम को तो मेंशन करेंगे, तो लेक्चरर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है हिंदी के हिसाब से एमए हिंदी और बीएड, तो वो हमें यहाँ मेंशन कर देनी पड़ेगी, एमए हिंदी बीएड, इट इज द मिनिमम। इसके ऊपर और है तो वो नेगोशिएबल। एज के बारे में भी एक फैक्टर यहाँ काम किया जा सकता है, एक पॉइंट हम लोग एज के बारे में भी डाल दें, मिनिमम एज हो या मैक्सिमम एज हो, तो एक एज का फैक्टर भी हम लोग करें, एज बिलो 40 इयर्स, हमारे पास यहाँ आ गया कि 40 साल से नीचे हो, मतलब अपनी डिमांड है, यहाँ 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, एज बिलो 40 इयर्स। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सपीरियंस पर, हमारे पास ये तीन पॉइंट और क्लियर हो गए। एक्सपीरियंस हम वही सब लिख देते हैं, एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 years in teaching, senior classes, senior classes पढ़ाने का 5 साल का अनुभव हो, तो experience at least 5 years in teaching senior classes, senior classes को पढ़ाने का 5 साल का experience हमारे requirement है। अभी हमारे पास आता है फिटनेस, तो फ्री फ्रॉम डिजीज, एक कॉलम में हम लोग खत्म कर देते हैं इसको, फ्री फ्रॉम डिजीज या फिजिकल कर सकते हैं, फिजिकल डिजीज, शारीरिक बीमारी से फ्री हो, ये कंप्लीट हुआ। सैलरी, कितना सैलरी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अदर टर्म्स कंडीशंस क्या है वो हम लोग देख सकते हैं, तो यहां पर आ सकता है सैलरी 60,000 रुपीज पर मंथ, पर मंथ 60,000 रुपीज हम लोग पे करने के लिए तैयार है। और कुछ है तो हम लोग यहां पर losing
बोर्डिंग फॉर आउटसाइडर्स, कोई बाहर से आ रहा है तो उसको रहने खाने की व्यवस्था हम लोग दे देंगे, तो ये लॉजिंग बोर्डिंग यहाँ हो जाएगा। अब हमारे पास में कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो हम कंप्लीट सेंस के अंदर आते हैं। प्लीज अटेंड द इंटरव्यू ऑन संडे May, यहां पर बिटवीन ट्वेल्व टू वन और नीचे हम लोग लिख देंगे डायरेक्टर। और कुछ है यहां कंप्लीट हमारे पास ये इतना, यदि हम लोग कर पाए तो हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट लिखने का तरीका हम लोगों के पास आ जाता है। आप नजर डालिएगा, उम्मीद करता हूं आप सीखते रहेंगे। धन्यवाद।